नमस्ते दोस्तों, आज के कपल्स का ट्रेंड क्या होता है? लगभग उनकी उम्र के 25 या 30 साल के बाद वो शादी करते हैं। उसके बाद एक दो साल के लिए उनको फैमिली प्लानिंग करनी होती है। फाइनेंसेस और करियर मैनेज होने के बाद वो प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं, और ऐसे समय पर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो जल्दबाजी में IUI और IVF भी कर लेते हैं। IUI IVF अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उनको वो स्ट्रेस बन जाता है और प्रेगनेंसी ही नहीं चाहिए इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जब भी आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचोगे तो पंचकर्मा के बारे में जरूर सोचना। पंचकर्मा करने के बाद अगर आप प्रेगनेंसी का प्लानिंग करते हो तो उससे वो प्रेगनेंसी फास्टर रेट में रुक भी जाती है और हेल्दी प्रेगनेंसी में वो कन्वर्ट भी हो सकती है। अगर आप भी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो तो ऐसे समय पर आपको कौन से पंचकर्म कराना चाहिए, चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश अमले और पिछले 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। जब भी कोई कपल कंसीव होने के एक्सपेक्टेशन के साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करता है तो ऐसे समय पर उन्होंने वो सारे उपाय अपना चुके होते हैं। उन्होंने अब तक केमिकल प्रेगनेंसी ट्राई कर चुकी होती है, उन्होंने IUI IVF ट्राई कर चुका होता है। उससे सक्सेस ना होने के वजह से फिर वो बाबा के पास चले जाते हैं। किसी बाबा के पास सक्सेस ना होने के बाद वो ग्रह दोष और वास्तु दोष ऐसे उपाय अपनाते हैं और उसके बाद वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपनाने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेदिक कंसल्टेशन के साथ ट्रीटमेंट के साथ कुछ ना कुछ मैजिक हो जाएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन से वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को देखते हैं। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से कंसीव जल्दी हो जाता है ये बात मालूम होने के बावजूद भी वो आयुर्वेद को सबसे लास्ट ऑप्शन रखते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसी कौन सी प्रोसेस है कि जिससे प्रेगनेंसी बहुत फास्टर नोट पर हो सकती है? आयुर्वेद 5000 साल पुराना साइंस है और साइंटिफिक मेथड से अगर हम उस लेडीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी जल्दी रुक सकती है। बेसिकली प्रेगनेंसी ना होने में तीन ही प्रमुख कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल इंबैलेंस। बहुत सारे फीमेल्स में हार्मोनल इंबैलेंस होने की वजह से उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रेगुलर नहीं है तो उनको ओवुलेशन का टाइमिंग पता नहीं चलता और नेचुरली वो संबंध नहीं बना पाते जिससे कि प्रेगनेंसी रुक सके। बेसिकली हार्मोनल इंबैलेंस होने के लिए PCOD हो सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, उनका मोटापा रीजन हो सकता है, या फिर उनका मेंटल स्ट्रेस भी इस फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हार्मोनल इंबैलेंस बहुत सारे कारणों के वजह से होता है, लेकिन ये हार्मोनल इंबैलेंस जब भी आपके शरीर में बन जाता है तो उससे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर काफी बुरा असर होता है और इसके साथ साथ आपके ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी पर भी काफी बुरा असर करता है और इसी वजह से कंसीव होने में डिफिकल्टी आती है। इसमें दूसरा रीजन होता है ट्यूबल ब्लॉकेजेस। बहुत सारी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है उसके पीछे का प्रमुख कारण होता है ट्यूबल ब्लॉकेजेस। HSG यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो उससे आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या ओपन है ये आपको डेफिनेटली पता चलता है। जब आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है ऐसा आपको पता चलता है तो आप लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरोस्कोपी करते हो जिससे कि ब्लॉकेज तो निकलते नहीं, उल्टा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है और इसी प्रॉब्लम की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा पंचकर्म बताया है। और इस ट्यूबल ब्लॉकेजेस के वजह से इवन दो आप शारीरिक संबंध सही समय पर बनाते होंगे, आपका हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होगा, फिर भी स्पर्म्स का और एग का मीटिंग या फर्टिलाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता और आप कंसीव नहीं कर पाते। और इसमें तीसरा रीजन होता है लो AMH। बेसिकली एंटी मुलेरियन हार्मोन जो हमारे शरीर में होता है वो हमें इस बात का क्लियर कट इंडिकेशन देता है जिससे आपके शरीर में ओवेरियन रिजर्व कितना है, आपके पास हेल्दी एग्स कितने हैं, और जितने अच्छे हेल्दी एग्स आपके पास होंगे उतनी आपकी फर्टिलिटी ऑप्टिमम लेवल की होगी जिससे कि आप कंसीव इजीली हो सकते हो। लेकिन बहुत सारे महिलाओं में कम उम्र में भी AMH वैल्यू कम होते हुए दिखाई देती है। 29-25 एज में भी AMH वैल्यू लेस देन 1 या लेस देन 0.5 आती है जिस वजह से उनकी एग क्वालिटी काफी कम होती है और एग की क्वांटिटी भी कम होने के वजह से वो प्रेगनेंसी जल्दी नहीं हो पाते। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी आयुर्वेद में काफी अच्छी ट्रीटमेंट मॉडलिटी बताई है। तो प्रेगनेंसी जल्दी रुकने के लिए अगर आप पंचकर्म के बारे में सोचते हो तो बेसिकली आपको तीन पंचकर्म तो जरूर कराने चाहिए। इसमें सबसे पहला पंचकर्म होता है योग बस्ती।
बेसिकली योग बस्ती एक 8 दिन का प्रोटोकॉल होता है। इस 8 दिनों में आपको 5 बार तेल का बस्ती दिया जाता है और 3 बार काढ़े का बस्ती दिया जाता है। बस्ती एक आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोली भाषा में या नॉर्मल लैंग्वेज में हम एनिमा के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन एनिमा में बेसिकली सोप वाटर एनिमा दिया जाता है। लेकिन ये जो बस्ती होती है इसमें काफी कंटेंट होते हैं, इसमें हनी होता है, इसमें सेंधा नमक होता है, इसमें प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं, इसमें काढ़ा होता है, इसमें ऑयल होता है। उन सब का एक मिक्सचर तैयार करके जब हमारे गुदा के द्वारा शरीर में डाल दिया जाता है तो बेसिकली हमारे शरीर का जो मूल भाग होता है वहां पर यह दवाई जाने की वजह से पूरे शरीर पर तर्पण करने का काम यह करता है। आपको किसी भी लेवल का हार्मोनल इंबैलेंस होगा तो योग बस्ती के द्वारा यह हार्मोनल इंबैलेंस रेगुलराइज होने लगता है। आपके शरीर में पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम होगी, आपके शरीर में एएमएच वैल्यू का कम होगा, तो इन सब को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है यह पंचकर्म। इसके साथ साथ योग बस्ती जब भी हम करते हैं तो हमारा प्यूबिक फैट जो होता है वो भी कम हो जाता है, जिससे कि यूट्रस की तरफ जाने वाला ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो नॉर्मलाइज होने लगता है। योग बस्ती करने के लिए आपको 8 दिन का तो बस्ती प्रोटोकॉल क्लिनिक में जाके करना चाहिए और ऐसे समय पर आपके पूरे शरीर का सहचरादि का तेल से स्नेहन किया जाता है, यानी कि मसाज किया जाता है, और उसके बाद दशमूल के काढ़े से आपके पूरे शरीर को स्टीम दिया जाता है। स्नेहन और स्वेदन ये प्रोसेस होने से हमारे शरीर में जितने भी सर्कुलेशन होते हैं, बेसिकली ब्लड का सर्कुलेशन, मसल्स का सर्कुलेशन और नर्व्स का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है, और उसी के बाद हार्मोनल हार्मनी हमारे शरीर में एस्टेब्लिश होने लगती है। जो भी हार्मोन्स फीमेल के शरीर में होते हैं उनका रिसेप्टर लेवल पर अच्छी तरह से काम होने लगता है और आपके शरीर के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपके प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी होती है वो प्रॉब्लम्स इस पंचकर्म के योग बस्ती द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। बेसिकली जब भी योग बस्ती किया जाता है तो हमारे शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष जो होता है वो कंट्रोल में आने लगता है और उससे हमारी यूटरस की फंक्शनल कैपेसिटी भी बहुत अच्छे से हो सकती है। इसमें दूसरा पंचकर्म होता है विरेचन। बेसिकली विरेचन 7 दिन का प्रोटोकॉल होता है। इसमें 5 दिन आपको घी पीना होता है। इस घी में वासा, निम्ब, गुड़ुची, आरगवत जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां मिलाई हुई रहती है या फलग्रुत के द्वारा आपको जब भी स्नेहपान किया जाता है तो उसके बाद आपके पूरे शरीर को मसाज और स्टीम यानी कि स्नेहन स्वेदन के प्रोसेस से डाल दिया जाता है। स्नेहन स्वेदन आपके शरीर का जब भी हो जाता है तो इसी ओलिएशन के प्रोसेस से आपके इस शरीर का इंटरनल ओलिएशन और एक्सटर्नल ओलिएशन भी हो जाता है और उसके बाद आपको कुछ विरेचन की दवाइयां दी जाती है जिससे कि आपके शरीर में जो बड़ा हुआ पित्त होता है, बड़ा हुआ कफ जो होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है और इसी बढ़े हुए पित्त और कफ दोष के वजह से आपके हॉर्मोन्स के ऊपर जो बुरा असर होता है, आपकी पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स होती है, ओव्यूलेशन अगर ठीक से नहीं होता है या आपकी शरीर की गर्मी बहुत ज्यादा है, वजाना एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा है, ये सारे प्रॉब्लम्स विरेचन से सॉल्व होते हुए हमें दिखाई देते हैं। बहुत से बार शरीर की गर्मी बढ़े हुए होने के वजह से भी हम प्रेगनेंसी जल्दी से नहीं कर पाते, कंसीव नहीं कर पाते और ये प्रॉब्लम विरेचन से डेफिनेटली सॉल्व हो जाता है। और इसमें तीसरा पंचकर्म होता है उत्तर बस्ती। बेसिकली उत्तर बस्ती ये एक प्रोसेस होता है कि जिससे आपकी यूटरस की जो एंडोमेट्रियम होता है उसकी रिसेप्टर क्वालिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव की जा सकती है। बहुत से महिलाओं को जिनको फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेजेस होते हैं उनको भी उत्तर बस्ती से फायदा होता है। उत्तर बस्ती पीरियड के 7वें, 8वें और 9वें दिन पे किया जाता है और ये उत्तर बस्ती लगातार 3 महीनों तक हमें करना चाहिए। उत्तर बस्ती के लिए आपकी नाड़ी परीक्षा के अनुसार वैद्य डिसाइड करता है कि कौन सा तेल आपको यूज करना चाहिए और उसी के अनुसार उत्तर बस्ती की प्रोसेस की जाती है। उत्तर बस्ती प्रोसेस करने के बाद हमें थोड़ा सा यानी कि आधा से 1 घंटा तक रेस्ट करना चाहिए ताकि उस दवाइयों का असर हमारे यूटरन कैविटी के ऊपर, फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर और ओवरीज के ऊपर बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। उत्तर बस्ती एक ओपीडी प्रोसीजर होती है जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल में रुकने की आवश्यकता नहीं होती, एडमिट होने की आवश्यकता नहीं होती और ये प्रोसेस कराने से आपकी फर्टिलिटी भी काफी इंप्रूव हो जाती है। तो आप भी ऐसे कपल हो कि जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो या आप ऐसे कपल हो जिन्होंने ऑलरेडी IUI कर लिया हो, उसमें सक्सेस उनको नहीं मिला हो, IUI IVF करने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिला हो और अभी तक आपने कभी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पंचकर्म अपनाया नहीं होगा तो डेफिनेटली आप पंचकर्म के बारे में जरूर सोचिए और ये 3 पंचकर्म तो मस्ट कीजिए। बेसिकली अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हो तो हर उस महिला ने ये 3 पंचकर्म करना चाहिए जिससे कि योग बस्ती, विरेचन और उत्तर बस्ती
तो उस महिला की या उस लेडी की हार्मोनल क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, एग की क्वालिटी और काउंट एंट्रल फॉलिकल काउंट भी अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाता है, और उनके शरीर में जो भी अन्य प्रॉब्लम्स हो के जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी आती होगी तो वो सारे सॉल्व होते हुए उनको दिखाई देता है। सब्जेक्टिव तौर पर देखा गया तो उन सारे व्यक्तियों को पंचकर्म करने के बाद बहुत सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है, और इसी स्ट्रेस रिलीफिंग एक्टिविटी के वजह से उनको प्रेगनेंसी भी जल्दी रुक सकती है। तो आप भी कंसीव होने के बारे में अगर सोच रहे होंगे तो आपके नजदीक के आयुर्वेदिक सेंटर को आप डेफिनेटली विजिट कीजिए और ये पंचकर्म के बारे में जरूर इंक्वायरी कीजिए। आपको भी प्रेगनेंसी रिलेटेड किसी भी प्रकार की शंका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आपको भी आपके फर्टिलिटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन कराना होगा तो आप भी हमारे क्लिनिक के टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही सारे प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी रिलेटेड पुरुषों में भी हो सकते हो, तो उनको कौन से पंचकर्म करना चाहिए जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।